तो शादी का लहंगा तो लड़के वालों की तरफ से है, इसलिए आज हम जा रहे हैं महिला संगीत के लिए लहंगा खरीदने। इसलिए मैंने बुला लिया अपनी दोनों सहेलियों को और बुद्धदेव और मोटा भाई को। और बाबू मशाय, आज आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि शादी कब है और किसकी है। ओके ओके, थैंक यू। फिर हम आ गए थे लहंगे वाली दुकान पर। उड़ी बाबा, क्या चमचम वाला ब्लाउज है। परंतु लहंगे की दशा थोड़ी सी खराब थी, इसलिए हम देखने लगे अन्य लहंगे। नो, यहाँ तो किसी को भी कोई भी लहंगा पसंद ही नहीं आया, इसलिए हमने लहंगा किसी और दुकान से खरीद लिया। और आपको बता दूं कि शादी मेरी इस वाली सहेली की होने वाली है। फिर हम आ गए संगीत के लहंगे से मेल खाने वाली चूड़ियां खरीदने, और साथ ही साथ हमने हल्दी के लिए ये आभूषण भी खरीद लिए। अब चलते हैं घर की ओर। परंतु सच्ची बताऊं, मेरे व्लॉग न आने का कारण है गेहूं कटाई। अभी भी हमारे एक प्लॉट में थ्रेसर लग रहा है, इसलिए मुझे जिम्मेदारी सौंप दी है बकरी चराने की। और ये देखो, दो घूंट माउंटेन ड्यू के लगा के पेड़ में चढ़ने लगा। या। फिर पानी से भरी हुई बाल्टी रख दी बकरियों के पास। तो चलिए फिर राधे राधे।